दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जॉन कीट्स की लाइफ और उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करूंगा। जॉन कीट्स सेकंड जनरेशन के इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे अपने दोस्त पीबी शैले की तरह। इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है इनकी। सबसे पहली वजह तो ये कि ये बहुत लंबी जिंदगी नहीं जी के गए थे, मुश्किल से 25 साल, लेकिन 25 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने कुछ ऐसे वर्क लिख दिए जिससे ये लिटरेचर में सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर के लिए सबसे बड़े नुकसान की बात यह है कि बहुत सारे टैलेंटेड यंग पोएट्स बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को गुड बाय कर गए। कीट्स भी उनमें से एक हैं और ये सारे के सारे बहुत हैंडसम भी थे दोस्तों। जैसे कीट्स की तरह इनके दोस्त पीबी शैले भी बहुत कम उम्र में, लगभग 30 साल की उम्र में चले गए। शैले दोस्तों कीट्स का बहुत बड़ा फैन था। उसने कीट्स को बहुत सारी एडवाइस दी कि तुम पोएट्री पब्लिश करने से पहले ऐसा किया करो, वैसा किया करो, लेकिन कीट्स इतना पागल नहीं था शैले के पीछे, मतलब शैले का इतना बड़ा फैन नहीं था, तो कीट्स ने बिल्कुल भी शैले की एडवाइस नहीं मानी। इस सब के बावजूद शैले कीट्स को जीनियस मानता था। दोस्तों इन दोनों के कम उम्र में चले जाने और बहुत ही हैंडसम होने के साथ साथ एक सिमिलरिटी और थी इन दोनों में कि इन दोनों को ही जीते जी इनके कामों के लिए किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन इन दोनों की डेथ के बाद जो इनको पॉपुलैरिटी मिली उसके क्या कहने। हाँ, इन दोनों में एक अलग बात यह थी कि जॉन कीट्स पोएट बनने के पहले एक मेडिकल के स्टूडेंट थे जबकि शैले साइंस का स्टूडेंट था। तो हम लोग आज जॉन कीट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये जान लो दोस्तों कि 24 साल की छोटी सी उम्र के अंदर जॉन कीट्स ने कुछ ऐसी पोएम्स लिखी साल 1819 में जो आगे चलकर 6 ऐसी पोएम्स लिखी जो आगे चलकर के वर्ल्ड फेमस हो गई। और ये उन 6 पोएम्स के नाम है, ये 6 लिरिक ओड्स हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाली पोएम है ओड टू ऑटम, इसको सबसे लास्ट में ख़त्म किया था कीट्स ने। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कीट्स की डेथ की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि इनकी माँ को एक बीमारी थी, इनकी मदर को एक बीमारी थी टीबी की, और वही टीबी की बीमारी इनकी पूरी फैमिली को खा गई। इनके पेरेंट्स को, हालांकि इनके फादर तो एक्सीडेंट से मरे थे, इनकी माँ को टीबी थी, इनके भाई टॉम की भी साल 1818 में डेथ हो गई इसी बीमारी की वजह से, और फरवरी 1821 में कीट्स भी खुद इस बीमारी की वजह से चले गए। इनका जन्म लंदन की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में अपने माँ बाप को खो देने के बाद कीट्स जब 15 साल के हुए तो इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। इनको एक मेडिकल स्कूल में भेजा गया और 20 साल की उम्र में आते आते जब ये अपने मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहे थे, एक सर्जन बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने सोचा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा प्यार तो पोएट्री है, मुझे पोएट्री लिखनी चाहिए। अब मैं और आप होते तो ज़रूर ऐसा पागलपन नहीं करते कि 5 साल अपनी ज़िंदगी के हमने मेडिकल की पढ़ाई में ख़राब कर दिए, एक सर्जन बनने की प्रैक्टिस चल रही है उसके बाद मेडिकल को छोड़ देना। लेकिन दोस्तों मेडिकल करते वक्त, एक ट्रेनिंग करते वक्त इनको कुछ खास खर्चा नहीं मिलता था, तो इन्होंने ये फैसला किया कि ये मेडिकल की ट्रेनिंग को पूरी तरह से छोड़ेंगे कि छोड़ो ये मेडिकल, अब तो बस पोएट्री लिखना है। साल 1817 में जाकर के इन्होंने अपनी पहली फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स को पब्लिश करवाया, लेकिन उस वक्त क्रिटिक्स ने इन्हें नहीं छोड़ा, मतलब क्रिटिक्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा उस वक्त। पहली ही बुक ऑफ पोएम्स को पब्लिश करवाने के बाद क्रिटिक्स का बहुत सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स ये बोला करते थे कि बहुत ही चाइल्डिश, बचकानी चीज़ लिखते हैं जॉन कीट्स। ये सब होने के बावजूद भी कीट्स ने अगले ही साल एक और बुक पब्लिश करवाई, लेकिन इसी बीच साल 1818 के दिसंबर के महीने के अंदर इनके भाई टॉम की टीबी की वजह से डेथ हो गई। अपने भाई टॉम की डेथ के बाद में कीट्स अपने दोस्त के साथ में हैम्स्टेड नाम की जगह पर आ गए। यहां आते ही कीट्स पैनी ब्राउन नाम की एक यंग लड़की के साथ प्रेम में पड़ गए। इसी टाइम के दौरान इनके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे थे जिससे ये बहुत कुछ नया लिख सकते थे, और लिखे भी। साल 1819 में इन्होंने अपनी सीरीज ऑफ ओड्स को लिखा था, लेकिन बीच का थोड़ा सा हिस्सा स्किप करके मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी हेल्थ का कोई भरोसा नहीं था, मतलब इनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही थी, तो साल 1820 में अपनी बिगड़ती हेल्थ के चलते ये इटली चले गए, ये सोचकर कि वहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म है तो शायद वहाँ जाकर के मेरी हेल्थ में थोड़ा सुधार आ जाएगा और फिर वापस घर लौट कर आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका, ये वापस इटली से कभी घर नहीं लौट सके। जीते जी तो क्रिटिक्स इनको क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन इनकी डेथ के बाद में लोगों ने इनके वर्क्स को पहचाना। अब दोस्तों बीच का जो हिस्सा मैंने स्किप किया था कीट्स की लाइफ का, साल 1819 वाला, वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे लिए, क्योंकि इस साल इन्होंने अपनी सीरीज ऑफ ओड्स को लिखा था। ये उन 5 पोएम्स के नाम है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सितंबर में स्प्रिंग के सीजन में साल 1819 में इन्होंने ओड टू ऑटम को लिखा, ये 6th पोएम थी इनकी, और साल 1820 में इसको पब्लिश करवाया गया। कीट्स की डेथ के बाद में दोस्तों शैले ने अपने दोस्त की याद में एक फेमस एलिजी लिखी जिसका नाम था एडोनाइस, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये बहुत ही लंबी एलिजी है दोस्तों और बहुत ही फेमस है, कभी टाइम मिला तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं इनकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
कुछ और जानकारी मिल जाएगी। जिस लड़की फैनी के साथ में कीट्स प्रेम में पड़े थे वो इनसे 5 साल छोटी थी। पैशनेटली प्यार करते थे ये फैनी से। मैंने आपको बताया था फैनी से मिलने के बाद ही कीट्स बहुत इंस्पायर हुए थे, बहुत हिम्मत मिली इनको और ज़्यादा मास्टरपीस लिखने की। और फैनी के लिए ही इन्होंने बहुत सारे लव लेटर्स और खूबसूरत पोएम्स लिखी। मतलब साल 1819 का साल इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल था। लेकिन फरवरी 1820 आते आते इनको अपनी हेल्थ बिगड़ती नजर आई। उस वक्त फैनी इनकी बहुत केयर कर रही थी। कीट्स दोस्तों पोएट्री के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि मरने से पहले अपनी सारी पोएम्स को कंप्लीट करना चाहते थे। अब दोस्तों इस वक्त जिस वक्त ये बीमार थे उस वक्त इन्होंने अपने 3री बार पोएम्स को पब्लिश करवाया था। इस वक्त तक इतना सब क्रिटिसिज्म झेलने के बाद थोड़ी तारीफें मिलना शुरू हुई कीट्स को। लेकिन इनके डॉक्टर ने इनको वार्निंग दे दी कि आने वाली जो इंग्लैंड की सर्दियां होगी, अगर आप इंग्लैंड में ही रहे तो आने वाली सर्दियां जो होगी उसको आपके लंग्स झेल नहीं पाएंगे, तो आप किसी गर्म जगह पर निकल जाओ। तो इस मुश्किल टाइम पर कीट्स और उनके दोस्त जोसेफ ने यह फैसला किया कि हम लोग इटली जाएंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म है तो वहाँ जाएंगे। लेकिन दोस्तों कीट्स के लिए दुख की बात ये थी कि इनके साथ में फैनी इटली नहीं गई, ये जानते हुए भी कि वो अब कीट्स को दोबारा नहीं देख पाएगी कभी भी। सितंबर 1820 में कीट्स अपने दोस्त जोसेफ के साथ में इटली आ गए। इस वक्त तक इन्होंने पोएट्री लिखना छोड़ दिया था। कीट्स ने तो दोस्तों पहले ही मान लिया था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैंने जो कुछ भी लिखा जैसा कुछ भी लिखा वो सब आज खत्म होने को आया है। और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर मेरा नाम, मेरी बर्थ डेट वगैरह कुछ मत लिखवाना, बल्कि एक लाइन लिखवाना। और ये लाइन थी, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे वो लेटा हुआ है इस कब्र के अंदर जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ था। ये लाइन उन्होंने अपने क्रिटिक्स के लिए लिखवाई थी, जो उन्हें क्रिटिसाइज करते थे उनके लिए। और फरवरी 1821 में इनकी डेथ हो गई रोम में। दोस्तों कीट्स को अपनी डेथ के बाद में वो पॉपुलैरिटी मिली जो एक पोएट अपने पूरे लाइफ टाइम में एक्सपेक्ट करता है।